ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। भिलाई के बीएसपी ग्राउंड में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ से दुर्ग, भिलाई, रायपुर व कोरबा की टीमें शामिल हैं। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट वेटरन्स के तत्वाधान में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट आगामी 28 अप्रैल तक आयोजित किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ से अलग अलग टीमें इस टूर्नामेंट में शामिल होने पहुंची। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट वेटरन्स के अध्यक्ष विनोद सिंह और सेक्रेटरी बी सुग्रीव ने बताया कि इस टूर्नामेंट में 35 वर्ष से ऊपर के खिलाड़ियों को इसमें मौका दिया गया है, जिसका फाइनल 28 अप्रैल को खेला जाएगा। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट में बेस्ट प्लेयर, बेस्ट टीम, मैन ऑफ द मैच और विजेता टीम को ट्रॉफी भी प्रदान की जाएगी। ये एक नोबल इंटेंशन से चालू किया कि सेकंड इनिंग्स जो मतलब अभी क्या है, बच्चे हैं, उन लोग का फिजिकल फिटनेस नहीं है। देखो अभी हम लोग जो लोग खेला है 50 प्लस का है, उन लोग भी रन दौड़ रहा है, उन लोग भी सिंगल्स ले रहे हैं, उन लोग भी स्ट्रोक खेल रहे हैं, उन लोग भी फील्डिंग में है। ये सब बच्चों को सिखाना चाहता है, हमने द नेक्स्ट जनरेशन को सिखाना चाहता है। ये एक नोबल इंटेंशन ही चालू किया कि लोग आके ऑब्जर्व करें। और जो हम लोग ये यहाँ इस ग्राउंड में एक हम लोग चालू किया वीकेंड टूर्नामेंट्स, उसमें सैटरडे संडे खेलता था, पहले लीग मैचेस खेलता था, उसमें बड़े बड़े लोग कमिश्नर्स, आईजी साहब और बहुत लोग आके खेला, देश पी साहब सब लोग आके खेलता था। फिर में हमारी यहाँ की जो टीम है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन है, वेटरन्स मीन्स होता है कि 40 प्लस के जो प्लेयर्स हैं सब खेलते हैं। और हमारा उद्देश्य केवल ये है कि हम एक पारी जब हम यूथ थे उस समय क्रिकेट में स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थे, ये सेकेंड पारी है जब हम हर तरीके से जॉब से सब में हो गए, उसके बाद एक ऐसा मौका लगता है कि जब हम इंटरटेनमेंट के लिए अपने जो ड्रीम्स है उसको पूरा कर सकें, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला आज पूरे इंडिया में वेटरन्स वालों के लिए। इस उद्देश्य से करा रहे हैं कि जितने भी हमारे 40 प्लस के लोग हैं हम सब मिलकर क्रिकेट या खेल सकें। और ये कब से लेके कब तक होने वाला है? ये 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक है। कितनी टीम्स इसमें इन्वॉल्व? इसमें 8 टीम इन्वॉल्व थी पूरी छत्तीसगढ़ की, फिलहाल अभी 6 टीम को लेकर के टूर्नामेंट कराया जा रहा है। और कहाँ कहाँ से टीम्स आई? ये पूरी टीम कोरबा से है, जगदलपुर से है, बिलासपुर से है, रायपुर से है, भिलाई से है, दुर्ग से है, हर जगह से। छत्तीसगढ़ आज यहाँ पे जो मैच हो रहा है वो किन टीमों के बीच? अच्छी बात यह है कि पहली बार ये टूर्नामेंट ऐसा हो रहा है कि बीएसएफ के जो लोग हैं, पूरे इंडिया के जो प्लेयर्स हैं जो बीएसएफ में ज्वाइन है, वो टीम आज हमारे साथ जुड़ी है। तो ये वेटरन से पूरे 38 प्लस प्लस 40 प्लस के लोग ही हैं, तो ये बीएसएफ की टीम है जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग हैं उनकी टीम है, प्लस डिस्ट्रिक्ट दुर्ग की टीम जो यहाँ का आज ये टूर्नामेंट जो करा रही है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।